दोस्तों आज जो हम खुलासा करने जा रहे हैं यूपीएस को लेकर, जी हाँ दोस्तों, यूपीएस पर एक्सरे कहें तो पोस्टमार्टम कहें या फिर ऑपरेशन कहें, जी हाँ दोस्तों आप बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। हम आज यूपीएस का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जी हाँ दोस्तों। समझेंगे यूपीएस में क्या कर्मचारी को मिला और क्या नहीं मिला, जी हाँ दोस्तों। इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, जी हाँ दोस्तों, आप कमियाँ का पूरा डिटेल बताएंगे और क्या मिला वो भी बताएंगे, जी हाँ दोस्तों। तीन बातें जो इसमें प्रमुख है यो है एश्योर पेंशन, जी हाँ दोस्तों, आप जब रिटायर हो जाओगे तो आपको एश्योर पेंशन यानी 50% एश्योर पेंशन दिया जाएगा। अंतिम 12 महीने का एवरेज का 50% एश्योर पेंशन दिया जाएगा। फैमिली पेंशन एश्योर किया गया है यानी 60% एश्योर पेंशन दिया जाएगा। और उसके बाद मिनिमम 10 साल नौकरी करते हैं तो 10,000 मिनिमम पेंशन दिया जाएगा। ये तीन बातें तो आपको पता होगा, चौथी बातें भी पता होगा। इन तीनों के ऊपर मुद्रास्फीति लगेगा यानी जो इन्फ्लेशन है वो लगेगा, यानी DR जो DNS रिलीफ मिलती है वो इसके ऊपर लागू होगा। महंगाई के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन कुछ बातें यूपीएस में ऐसी है जो ओपीएस से बिल्कुल ही कम है, जी हाँ दोस्तों। गड्ढा कहें तो गड्ढा है यूपीएस, जी हाँ दोस्तों। आज हम बताएंगे, पूरा एक्सरे करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जी हाँ दोस्तों। यूपीएस में, जी हाँ दोस्तों, जो एज रिलैक्सेशन है आपको पता होगा दोनों तरफ से मार है, जी हाँ दोस्तों। अगर आप 18 साल के हो जाते हैं और नौकरी में आते हैं या फिर 20 साल के हो जाते हैं नौकरी में आते हैं तो उस केस में आप अगर 25 साल पूरा कर लिए, आप अगर VRS ले लिए तो आपको, जी हाँ दोस्तों, जब तक आप रिटायर नहीं होइएगा जब तक आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा, जी हाँ दोस्तों, आपको भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, जी हाँ दोस्तों। इसके अलावा अब अपर एज की बात कर लेते हैं, जी हाँ दोस्तों, अपर एज की बात करें, अगर नौकरी में आप 35 साल में आते हैं तो पूरा पूरी आप 25 साल नौकरी करते तो पेंशन तो शुरू हो जाएगा जब आप रिटायर हो गए। लेकिन SC ST केट में अपर एज लिमिट 40 साल का है, ये बात आपको पहले से पता होगा। तो सोचिए 40 साल में कोई SC ST कैंडिडेट नौकरी करता है तो उसका 20 साल ही पूरता है, 60 साल में रिटायर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, यानी पेंशन का लाभ नहीं ले पाएगा। आप कहें तो सरकार आपको दोहरी मार झेल रही है, जी हाँ दोस्तों, नीचे एज लिमिट में भी आपको मार रही है। अगर शुरू में नौकरी में आ जाते तब पर भी आप मार खाएंगे और लास्ट में नौकरी में आते हैं तब पर भी मार खाएंगे। सरकार आपको जीने नहीं देगी, उसे भला था सरकार नरेटी दबा के मार देता, जी हाँ दोस्तों। यूपीएस लागू करना कहीं बहियात साबित हो रहा है, जी हाँ दोस्तों, पूरा देश का कर्मचारी इस पर गर्म है, जी हाँ दोस्तों। एक बार जरूर सोचिएगा, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखा किया है, लगभग धोखा है। क्योंकि एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 40 साल SC ST का होता है और 20 साल के बाद वो रिटायर हो जाएगा, सोचिए वहाँ भी धोखा। अगर वो 20 साल में आता है और अगर 25 साल के बाद रिटायर हो जाता है तो 15 साल और वेट करेगा 60 साल पुराने में, तब जाकर उसको पेंशन मिलेगा, जी हाँ दोस्तों। इसके अलावा जो 1/10 कटता है, जो लमसम अमाउंट दिया जा रहा है यूपीएस में बेसिक और DA का 1/10, आपको बता दें NFIR, आपको पता होगा, जो रेलवे का जो संगठन ने बैठक किया था, सभी ने साइन किया और उसको 24 अगस्त का साइन होता है और 28 अगस्त को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, जी हाँ दोस्तों। NFIR या फिर जितने भी जो संगठन हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति धीरे धीरे होना शुरू हो गया। उन्होंने मांग किया है कि 1/10 के जगह पर 1/4 दिया जाए, जी हाँ दोस्तों। अगर 1/4 एक मुश्त लमसम दिया जाएगा और 30 साल नौकरी करते हैं, हर 6-6 महीना पर इसको कैलकुलेट करिएगा तो 60 टाइम मल्टीप्लाई होगा, जी हाँ दोस्तों। मान लीजिए आपकी अंतिम बेसिक सैलरी और बेसिक सब मिलाकर 2,00,000 रुपये पर महीना बनता है तो 1/4 करिएगा तो 50,000 रुपया होगा और 50,000 गुने 60 टाइम, अगर 30 साल नौकरी किए तो 60 टाइम, 35 साल नौकरी किए तो 70 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो मान के चलिए अगर 30 साल नौकरी किए तो 60 × 50 करिएगा तो 30,00,000 रुपया एक मुश्त लमसम अमाउंट मिलेगा। ये इनका डिमांड है NFIR का, ये सही है, जी हाँ दोस्तों। ये डिमांड साइन करने से पहले करना चाहिए था, ये सभी लोग साइन करके आ गए हैं, ये ज्ञान की प्राप्ति अब धीरे धीरे हो रही है, जी हाँ दोस्तों। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम में जब कोई आदमी 80 वर्ष का हो जाता था तो उसका पेंशन 20% बढ़ता था, 85 वर्ष का हो जाता था तो 30% पेंशन बढ़ता था, 90 वर्ष का हो जाता था तो 40% पेंशन बढ़ता था, 95 वर्ष का हो जाता था तो उसका 50% पेंशन बढ़ता था, अगर वो 100 वर्ष का हो गया तो पेंशन सीधे दुगना हो जाता था। वो भी यूपीएस में नहीं मिलेगा, जी हाँ दोस्तों, सोचिए कितनी बड़ी गड्ढा है यूपीएस। इसके अलावा
फिफ्थ पे कमीशन, सिक्स पे कमीशन, एट पे कमीशन, सेवन्थ पे कमीशन। जी हाँ दोस्तों, जब आती थी तो पेंशन भी बढ़ता था और पे कमीशन भी बढ़ता था। आपको बता दें यूपीएस में वो कुछ नहीं मिलने वाला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी गड्ढा दिखाई दे रहा है यूपीएस में। इसके अलावा वीआरएस की बात तो आपको बता ही दिए कि 45 साल में अगर आप वीआरएस ले लेते हैं तो 15 साल वेट करना पड़ेगा, या फिर अगर नौकरी में थोड़ा लेट आते हैं और आप वीआरएस ले लेते हैं मान लीजिए 56-57 साल पर, तो 3 साल फिर वेट करना पड़ेगा जब तक आपका सुपर नियोजन नहीं होगा, जब तक आपका इसका पेंशन चालू नहीं होगा यूपीएस का। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा 10% जो सरकार लेती है और 18.5% सरकार जमा करती है, उसका से आपको सिर्फ 50% का पेंशन बनेगा और एकमुश्त लमसम अमाउंट उसका नहीं मिलेगा। यानी 10% जो आपका कटता है वो आपका 1 रुपया वापस होने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी यूपीएस में गड्ढा नजर आ रहा है। इसके अलावा वन टाइम चूज, जी हाँ दोस्तों, देखिए कितना दुर्भाग्य है, आप एक बार ही चूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस से यूपीएस एक ही बार जा सकते हैं, यूपीएस से एनपीएस आप नहीं आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी कमी है। इसके अलावा ग्रेचुटी, जी हाँ दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम में ग्रेचुटी अच्छा खासा मिलता था, लगभग 20 लाख का ही मिलता था, अभी 25 लाख हो गया है ऐसा कुछ सुनने में आया है। जी हाँ दोस्तों, यानी 35 साल नौकरी करने पर आपको ग्रेचुटी 25 लाख रुपए मिलता है ओपीएस में, और जबकि यहाँ ग्रेचुटी कम कर दिया गया है। सोचिए इस तरह से 7-8 पॉइंट है जिसपे एक्सरे किया गया तो यूपीएस में गड्ढा ही गड्ढा नजर आया। सिर्फ 4 पॉइंट इसमें अच्छा किया गया है, एश्योर पेंशन जो फैमिली पेंशन है 60% वो, और उसके अलावा जो 10 साल नौकरी करेंगे तो मिनिमम 10,000 रुपया पेंशन मिलेगा। इसके अलावा अगर 10 साल से ऊपर और 25 साल से नीचे नौकरी करके आप छोड़ देते हो तो आपको अनुपातिक पेंशन मिलेगा, ये थोड़ा सा ठीक लगा। इसके अलावा 10 साल से नीचे अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है उसका भी अनुपातिक पेंशन मिलेगा। इसके अलावा 8 गड्ढा जो आपको बताया, सोचिए आपको खुद सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि यूपीएस अच्छा है कि ओपीएस अच्छा है। फिलहाल मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर सरकार यूपीएस ही लाना चाहती है तो इन 8 पॉइंट को रेक्टिफाई कर दे, जी हाँ दोस्तों, और ओपीएस के हिसाब से सिमिलर थोड़ा सा बनाए, तब जाके सरकारी कर्मचारी मान लेगा, नहीं तो सरकारी कर्मचारी प्रोटेस्ट आंदोलन करने के लिए तैयार हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, विजय बंधु ने साफ बोल दिया है, डेट और तिथि भी आ गई है, और आज ट्विटर महासंग्राम है 2 बजे से 5 बजे तक 29 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, आपको सोचिए इस तरह से बहुत चीज़ें आने वाली है। 2 सितंबर से 6 सितंबर तक काला पट्टी बांध के अपने कार्यालय में काम करना है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आ रही है। यानी आपको बता दें कर्मचारी एक जुट होना शुरू हो गया है क्योंकि यूपीएस में गड्ढा नजर आना शुरू हो गया। फिलहाल मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।